देखिए आज स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम बीजी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्टिंग वाली एक रिपोर्ट बना के देखेंगे। सर कॉस्टिंग वाली रिपोर्ट क्या होती है? मार्केट में ना कस्टमर अपने हिसाब से रिपोर्ट मंगवाते हैं। वो कहते हैं लाओ एक लॉट नंबर की रिपोर्ट निकाल के लाओ कि एक लॉट नंबर कब किसके पास गया था, ठीक है, कब किसके पास गया था, कब किससे वापिस आया, उसने एक पीस से हमसे कितने रुपए चार्ज करे और टोटल एक पीस की कॉस्टिंग कितनी है, उसको एक लॉट नंबर का चाहिए। तो उसके लिए हम रिपोर्ट देखने के लिए कहाँ आते हैं? डिस्प्ले में। कहाँ आते हैं हम लोग? डिस्प्ले में। सबसे नीचे मिलेगा आपको क्वेरी सिस्टम। क्वेरी सिस्टम पे आएंगे और यहाँ से मिलेगा आपको क्वेरी ऑन ट्रांजेक्शन। क्या मिलेगा यहाँ से? क्वेरी ऑन ट्रांजेक्शन। ये रिपोर्ट के लिए बात करो, अगर कोई पर्सन कहे कि एक लॉट नंबर की रिपोर्ट चाहिए देन यहाँ, क्योंकि ओल्ड आई से करते हो ना तो इसमें एक दिक्कत है। सर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि यहाँ पर बहुत सारी एंट्रियाँ अलग अलग सी शो हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अलग अलग सी शो होती हैं। देखो हमें जज नहीं कर पाते, अच्छा इसमें दो एंट्रियाँ दिखती है, अच्छा ये उसको गया था, इस पर आ गया, इस पर गया था, इस पर आ गया, तो हमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। हम चाहते हैं ऐसा ना है, तो उसके लिए अलग एक रिपोर्ट देखने के लिए कहाँ आते हैं हम लोग? डिस्प्ले में, क्वेरी एंड ट्रांजेक्शन में, और यहाँ से ऑल वाउचर में सिलेक्ट वाउचर एंड देन स्टॉप ट्रांसफर, और यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हम पूछे किसका देखना है, मैंने बोला मेन सीरीज का। किसका देखना चाहते हैं? यहाँ पर लिखा है सोर्स एमसी। किसी कारीगर का देखना चाहते हैं? मैंने बोला बताओ कटिंग मास्टर ने अपने कितनी कटिंग करी, तो मैंने इसको यस करा, उसके आगे डाल दिया उसका नाम। जैसे ही मैं यहाँ इसको करूंगा और सेव करके देखूंगा, देखो उसकी पूरी रिपोर्ट आएगी। अच्छा इसने ये आइटम बनाई थी 570 पीस कितने रुपए से, जब उस आइटम की कॉस्ट कितनी रुपए थी? 15 रुपए 71 पैसे। और इसने आगे किसको ट्रांसफर कर दी? कॉमन को आगे ट्रांसफर कर दी ना ट्रांसफर। टारगेट मतलब जिसको मिला है, तो एमसी मतलब जिसके पास से गया है, एमसी मतलब मटेरियल सेंटर, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर आ गया? लेकिन हमें ना वन वाइज नहीं चाहिए। करने का चलो वन वाइज नहीं, मुझे प्रोडक्शन वाइज दिखाओ कौन कौन सा माल प्रोडक्शन है। तो यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग? अब इसको ग्रुप वाइज चाहिए तो हम क्या कर देंगे यहाँ से? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्शन की रिपोर्ट आ जाएगी जो भी। लेकिन सर आप मुझे बताओ, मेरे पास तो आपके पास एक लॉट नंबर तो आपने देख लिया, मेरे पास तो 1000 लॉट नंबर होंगे, रिपोर्ट तो पूरी भर जाएगी पेज में, हम क्या देखें इसको? नहीं, उस समय ये भी हम लोग नहीं करेंगे। सर फिर आप ये भी नहीं कर रहे हैं, तो करोगे क्या? तो उसमें आप यहाँ देखो क्या लिखा है, इस टॉपिक को यस करेंगे, कर दिया टॉपिक को, अब लिखे अपन यहाँ क्या करेंगे, आइटम का नेम डालेंगे और यहाँ से उस आइटम की पूरी एक रिपोर्ट आ जाएगी। आ गई रिपोर्ट? आ रही है। कटिंग से कहाँ गया? कोमल से कहाँ गया? संदीप से कहाँ गया? रिया से, पूजा से, शॉप से, और एक पीस की कॉस्टिंग कितनी आ गई? मिल गई रिपोर्ट? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? लेकिन सर ये रिपोर्ट मुझे नहीं चाहिए। सर क्यों? यहाँ पर उसको बताओ मैंने कटिंग वाले को दिए कितने? मैंने कटिंग वाले को सर 3 रुपए दिए हैं, ये देखो लिखा भी है। अरे भाई अंदर लिखा है, बाहर लाना रिपोर्ट के, मैं कैसे मान लूं अंदर है? मुझे प्रिंट निकालू क्या? मैं खोल के देखूंगा प्रिंट के अंदर? नहीं सर आप नहीं देखोगे खोल के प्रिंट के अंदर, तो करूं क्या मैं? मुझे ऐसी रिपोर्ट दिखा जो मेरे पास है, ये रिपोर्ट मुझे ऐसी रिपोर्ट चाहिए। सर कैसी रिपोर्ट? सबसे पहले सीरियल नंबर आए, फिर आइटम का नेम आए, फिर क्वांटिटी आए, फिर फ्रॉम आए, फिर रेट आए, फिर टोटल पीस आए, कितना अमाउंट मिला और फिर कितने किसके पास माल गया। सर मुझे ये रिपोर्ट चाहिए। सर ये तो रिपोर्ट नहीं मिल सकती। सर ये तो कस्टमाइजेशन का पार्ट है, सर इसमें तो पैसा लगेगा। अच्छा तो देखो ऊपर एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? कस्टम पोजन। क्या लिखा है सर? कस्टम। जब रिपोर्ट कहीं से ना मिले और आपकी हिम्मत खत्म हो जाए तो किसकी मदद लो? कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम पे क्लिक करोगे, सबसे पहले पूछेगा उस फॉर्मेट का नेम क्या रखोगे, तो मैंने बोल दिया न्यू फॉर्मेट। क्या डाल दिया? न्यू फॉर्मेट। तो कुछ भी हो सकता है फॉर्मेट का नेम, जैसे आपका नाम है आयुष, नसीब, खराब, तो ऐसे जो भी आप नाम रखने रख सकते हैं। इसको आप यहाँ पर सेव कर दीजिए। अब इसको सेव कर दो, आप देखो बाद जब भी आप रिपोर्ट देखोगे तो आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखना है या,
तो आप न्यू फॉर्मेट करेंगे तो आपकी न्यू फॉर्मेट में रिपोर्ट आएगी, आगे न्यू फॉर्मेट में। लेकिन सर न्यू फॉर्मेट में कुछ हुआ ही नहीं, हमने कुछ करा था क्या न्यू फॉर्मेट में? कभी फॉर्मेट का नाम ही तो बनाया है या कुछ और करा हमने? अब कस्टम कॉलम में आएंगे, आ गए इसी के अंदर। अब मैंने बोला ना मुझे किसके बाद चाहिए, क्वांटिटी के बाद एक चाहिए रेट का कॉलम। क्या चाहिए? रेट का कॉलम। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, F1 F1 पे क्या आती है, पहले पे डेट, फिर दूसरे पे वाउचर, तीसरे पे सोर्स, सातवें पे क्वांटिटी, आठवें पे यूनिट। मैं चाहता हूँ यूनिट के बाद क्या आ जाए हमारा, क्या जाए यूनिट के बाद रेट का कॉलम। पढ़ो देखो क्या लिखा है यहाँ, एड न्यू, एड न्यू पे क्लिक करो। क्या कॉलम चाहिए हमें? रेट का कॉलम। क्या चाहिए हमें? उस कॉलम की हेडिंग क्या हो? रेट। सर पोजीशन सर आखिरी में रख दें क्या? फर्स्ट करेंगे तो पहले पे आ जाए, लास्ट करेंगे तो। और हमें कहाँ चाहिए? यूनिट के, क्वांटिटी के पहले, क्वांटिटी के बाद। क्वांटिटी कितने पे? तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, एड एड आफ्टर एफ सर, ये कर दिया। तो क्या ले लेंगे हम यहाँ से, टैक्स ले लेंगे। टैक्स मतलब जैसे होते ना नाम होते, नाम किसमें लिखा होता है? टैक्स में। ऐसी वैल्यू जिसपे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकती वो क्या कहलाता है आपका? टैक्स। ठीक है, अभी दो मिनट। उसके बाद कैटेगरी आती है, क्या आती है? कैटेगरी। और जब भी कैटेगरी की बात करेगा तो आप किसमें जाओगे? बॉडी के अंदर। किसके अंदर आएंगे? बॉडी के अंदर। देखो तीन तरीके की रिपोर्ट होती है। पहली क्या है? अकाउंट। जब पार्टी के कुछ नाम के अंदर चाहिए, जैसे पार्टी का नेम, पार्टी का एड्रेस, पार्टी का मोबाइल नंबर, तो क्या लोगे आप हमेशा? अकाउंट। क्या लोगे? अकाउंट। सर अकाउंट क्यों लिया हमने? क्योंकि देखो ऊपर लिखा है, ऐसे जब आइटम बनाओगे तो क्या लोगे यहां से? आइटम के रिलेटेड रिपोर्ट चाहिए तो क्या लोगे यहाँ पर? और जब पूरे वाउचर के रिलेटेड रिपोर्ट लोगे, सर वाउचर मतलब क्या होता है आपका? वाउचर का मतलब है अगर जब इसमें से कोई वैल्यू, आपने कहा मैं यहाँ जो जितनी क्वांटिटी डालू बाहर आ जाए, रेट में यहाँ डालता हूँ ना, यहाँ डालता हूँ रेट, तो ये बॉडी का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? ये बॉडी का। अब दूसरा, हमने जॉब करके पैसे कहाँ देते हैं? बिल्स एंट्री में देते हैं ना। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म बना दो क्या बनेगा? BS मतलब बिल्स एंट्री 1, BS मतलब बिल्स एंट्री 2, BS मतलब बिल्स एंट्री 3, ऐसी बिल्स एंट्री 4, मतलब BS 4, BS 5, BS 6। तो हमें क्या लेना है यहाँ से? इन्वेंट्री बॉडी। आप बॉडी ले लेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक फिल का बटन है। हमें क्या चाहिए? हमें बिल्स एंट्री का क्या उठाना है? जॉब। तो बिल्स एंट्री कहाँ पर? कहीं लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा है? नहीं लिखा। लिखा है? नहीं। तो हम बॉडी ना लेके क्या ले लेंगे? हेडर। क्या ले लेंगे? हेडर पर क्लिक कर लेंगे तो आप यहाँ पर आके देखिए, जैसे मैंने हेडर पर क्लिक किया तो क्या आ गया? अगर आपको उसमें नहीं मिलता तो इसमें चेक कर लो, इसमें नहीं मिलता तो बिल्स एंट्री पे आप। और हमें बिल्स एंट्री पे क्या चाहिए? हर पीस का प्राइस। तो आप यहाँ से क्या ले लेंगे? पर बिल्स एंट्री 1%। और इसको यहाँ से सेव कर दो और इसको बाहर करो और यहाँ से आके देखो। देखो एक नया कॉलम आ गया, आ गया नया कॉलम, आ रहा नया कॉलम। वाक्य में कह रहा हूँ कि अगर आप ये कस्टमर अपने जिसके आप वर्किंग करने जाएंगे और ये रिपोर्ट आप उसको दे दोगे ना, वो खुश हो जाएगा इस रिपोर्ट से। ठीक है, तो इसके लिए ना हम कल सीखेंगे, जितना आपके पास डाटा पेंडिंग है ना आप उसको पहले कवर अप करिए, देन हम इसको कल पूरा सीखेंगे कस्टम कॉलम।